दोस्तों अगर आपको भी इन फॉर्मूलाज को या फिर इन फॉर्मूलाज को या फिर इन फॉर्मूलाज को याद करने में समस्या होती है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको इसी कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों उन सभी फॉर्मूलाज को याद करने के लिए हमें एक अजम्पशन करना है। अजम्पशन ये है कि साइन अच्छा है और कॉस बुरा है, तो आप अपने दिमाग में साइन के लिए सारी अच्छी क्वालिटीज रखें, यानी कि साइन नेक है, वो इक्वालिटी मेंटेन करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, और आप कॉस के लिए अपने दिमाग में सारी नेगेटिव वैल्यूज रखें, यानी कि कॉस नेक नहीं है, वो इक्वालिटी मेंटेन नहीं करता, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो आइए बात है फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूलाज की। दोस्तों इन फॉर्मूलाज में हमें ये तो याद रहता है कि पहले होंगे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फिर प्लस या माइनस, और फिर होंगे दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, लेकिन कौन से रेशो कहाँ आएंगे ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि साइन अच्छा है तो वो इक्वालिटी मेंटेन करेगा, वो फॉर्मूले के पहले हिस्से की फर्स्ट पोजीशन रखेगा अपने पास, क्योंकि उसी का फॉर्मूला है, और इक्वालिटी मेंटेन करते हुए सेकेंड पोजीशन दे देगा कॉस को। दूसरे भाग में वो कॉस को मौका देगा और उसे फर्स्ट पोजीशन पर आने देगा और सेकंड पार्ट खुद रख लेगा, और क्योंकि वो बहुत ईमानदार है वो पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव ही रखेगा, और जब फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी का तो बाकी सारा फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, बस साइन नेगेटिव साइन को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के रख देगा राइट हैंड साइड में अपनी ईमानदारी के कारण। कॉस ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कॉस बुरा है तो वो फॉर्मूले का पहला हिस्सा पूरी तरह से अपने पास रखेगा और तब जाके दूसरा पार्ट साइन को देगा, और क्योंकि वो ईमानदार नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन को चेंज करके बना देगा नेगेटिव साइन। इसी तरह जब फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी का तो वो साइन चेंज करके फॉर्मूला बना देगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आइए बात करते हैं इन चार फॉर्मूलाज की। इन चार फॉर्मूलाज में 2 ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2 कॉमन है, जो आसानी से याद भी हो जाता है, पर फिर से हमें परेशानी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्लेसमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं साइन ए प्लस साइन बी की। साइन ईमानदार है तो वो फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट अपने पास रखेगा और दूसरा पार्ट दे देगा कॉस को। कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्मूला में क्योंकि कॉस बुरा है तो वो दोनों पार्ट्स अपने पास ही रखेगा और साइन को कुछ भी नहीं देगा। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में हम नेगेटिव साइन को एक लॉस की तरह लेंगे। अब क्योंकि कॉस बुरा है तो वो साइन को हुए इस लॉस का फायदा उठाएगा और फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट अपने पास रखेगा और तब जाके सेकेंड पार्ट साइन को देगा, यानी कि उसने साइन के फॉर्मूले का ही पहला पार्ट हड़प लिया। कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आता है कॉस के पास, यानी कि अब कॉस को हुआ है घाटा, जिसकी वजह से उसे आत्मग्लानी होती है और उसने पास्ट में साइन के साथ जो भी बुरा किया होता है उसे उस पर बहुत दुख होता है, और अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो इस फॉर्मूले के दोनों पार्ट साइन को दे देता है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में था नेगेटिव साइन तो वो राइट हैंड साइड में भी ईमानदारी से वही नेगेटिव साइन लगा देता है। अब बात करते हैं इन आखिरी चार फॉर्मूलाज की। इन चार फॉर्मूलाज में लेफ्ट हैंड साइड में 2 हर जगह कांस्टेंट रहता है, पर इन दो जगह पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है ये याद करना थोड़ा मुश्किल है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में पहला पार्ट रहेगा साइन के पास, क्योंकि ये उसी का फॉर्मूला है और साइन ईमानदार है और वो इक्वालिटी मेंटेन करता है तो वो सेकंड पार्ट दे देगा कॉस को। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्योंकि कॉस बुरा है तो वो दोनों पार्ट खुद ही रख लेगा और साइन को कुछ भी नहीं देगा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन के पास आया नेगेटिव साइन, यानी कि लॉस, जिसका फ़ायदा उठा के कॉस साइन के फॉर्मूले की फर्स्ट पोजिशन खुद हड़प लेगा, और क्योंकि ये फॉर्मूला साइन का ही है तो सेकेंड पार्ट उसे ही मिल जाएगा। आखिरी फॉर्मूले में कॉस के पास आता है नेगेटिव साइन, यानी कि लॉस, और फिर से उसे पिछली बार की तरह साइन के साथ किए गए गलत व्यवहार पर दुख होता है और फिर से वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फॉर्मूले के दोनों पार्ट साइन को ही दे देता है, और पिछली बार की तरह वो नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लगा देता है, और यही बन जाती है इन सभी फॉर्मूलेस को याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और लर्निंग टेक्निक्स आपके लिए लाता रहूं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप जैसे ही और स्टूडेंट्स की मदद हो सके। जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी
आप एक्टिव हो। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज की मदद ले सकते हैं, उन पर मुझे फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लर्निंग टेक्निक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि उस पर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो ला सकूं। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।